नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ ए मॉन्क इन ट्रैवल। आज मैं अपनी यात्रा के दौरान पहुंचा हूं जीवन आश्रम मंसूरी में। मेरे साथ है संत श्री आर एस ढाका जी। नमस्कार सर। नमस्कार। एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब सरकारों के पास भी नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। जी। आज है तारीख 15 अप्रैल 2021। जी। 2020 में जो कोरोना आया था वो जैसे तैसे निबट गया था, लेकिन ये वेव उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और जो आंकड़े बता रहे हैं कि इसका जो स्प्रेडिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है और जो हॉस्पिटल है वो खुद वेंटिलेटर पे आ चुके हैं। लॉकडाउन कहीं लगा कहीं नहीं लग रहा है, तो ऐसे में जो है जो अंदर की जो हमारा जो डर है वो 2020 से ज़्यादा नज़र आता है मुझे। जी जी। क्योंकि उस टाइम हम घरों में बंद हो गए थे, अब वो भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में कैसे अपने आप को संभाला जाए? सवाल आपका खूबसूरत है। मुश्किल ये है कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बीमारी ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसे नहीं होना चाहिए था। सैकड़ों वायरस घूम रहे हैं एटमॉस्फेयर में, अलग अलग टाइम पे उनमें प्रॉब्लम आती रही हैं। HIV, एड्स, डेंगू, उनसे मरते रहे लोग, फिर ये वायरस आया है 2019 में। दिसंबर 2019 में आने की वजह से इसे COVID-19 कहते हैं। ये चाइना से आया है, ऐसी जानकारी आपको भी है औरों को भी है। हर धर्म के व्यक्ति कहते हैं कि बस मेरा धर्म होना चाहिए। सरदारों ने भी कहा था राज करेगा खालसा। इस्लाम के मानने वाले भी ऐसे ही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम हो जाए। ईसाई भी ऐसा ही कर रहे हैं। मेथड अलग अलग हैं, ढंग अलग अलग हैं, लेकिन इस समस्या पर एक बात मुझे ओशो की अच्छी लगती है। एक उनके नज़दीकी आदमी ने कहा कि वो आदमी है जो आपकी बहुत बुराई करता है और इससे आपकी इज्जत में उंगली उठती है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? ओशो ने कहा मुस्कुराते हुए कि उसकी सांस चल रही है। उस आदमी ने कहा जी हाँ। बोले बस फिर ठीक है, जब उसकी ज़रूरत पृथ्वी पर नहीं होगी अस्तित्व से वापस बुला लेगा। इसका अर्थ ये है कि उसको मेरी आलोचना करने के लिए ही रखा गया है। ओशो की बात को हल्के में मैं नहीं लेता हूँ, ज्ञानी व्यक्ति हुए। उनका अर्थ ये है कि यहाँ जो भी कुछ है वो मीनिंगफुल ही है, मीनिंगलेस नहीं है। उसमें बीमारी भी शामिल है, उसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। अब बात आती है कि हर आदमी मरने से डरता है और मरना हर एक आदमी का तय है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्या हो रहा है इस वायरस के तहत डॉक्टरों के लेवल पे, सभी नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ डॉक्टर इसमें व्यापार कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे वीडियो लोगों ने भेजे हैं जहाँ किडनी निकाली जा रही हैं, लीवर निकाले जा रहे हैं डेड बॉडीज में से, और वो जो ढंग है निकालने का वो बड़ा बेहुदा लगता है, देख नहीं सकता आदमी। उनका व्यापार चल रहा है। राजनीतिक स्तर पर राजनीति चल रही है, कहाँ कितने हॉस्पिटल बना दिए जाएं, कितने बेड और बढ़ा दिए जाएं, राजनीतिकरण चल रहा है। लेकिन ये मामला ना राजनीति से तय होने वाला, ना ये डॉक्टरों से तय होने वाला। प्रकृति का एक नियम है, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती उसको प्रकृति समाप्त कर देती है। गिद्ध हुआ करते थे,
वल्चर्स, उनकी ज़रूरत थी, आज वो दिखाई नहीं देते, उनकी अब ज़रूरत नहीं है। डायनासोर हुए पहले पृथ्वी पे, अब नहीं दिखाई देते, अब छिपकली नज़र आती है, डायनासोर ही हैं, ये सिकुड़ गए। जिनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें वापस बुला लिया जाता है। और मुझे एक बात देख के सुन के बड़ा आश्चर्य होता है, जितने टेस्ट होते हैं, समझो 100 टेस्ट हुए, उनमें 15 आदमी इफेक्टेड मिले, उनमें से मरे कितने? एक, 1 या 1.5% लोग मर रहे हैं, इससे 2 गुने या 3 गुने तो एक्सीडेंट में मर रहे हैं, इससे 2-3 गुने हार्ट अटैक से मर रहे हैं। मौत के द्वार हैं, मौत के द्वार पर लाइन लगी है, छोटी होती जा रही है और हम सब उसमें खड़े हैं। लेकिन अगर आदमी सोच ले के मरना तो एक दिन तय है, मौत से क्या डरना। तो ये COVID-19 कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, उनका पता चल गया, बाहर निकलो मास्क लगा के जाओ, घर में आओ हाथ धो, सैनिटाइज कर लो अपने आप को, कुछ नहीं है। और जिस शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है उस पर वायरस असर नहीं करता। डेंगू का मच्छर 6 आदमियों को काटता था, 2 को डेंगू हो जाता था, 4 को कुछ नहीं होता। कारण ये है कि उनके शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है, एंटीबॉडीज हैं अंदर, वो वायरस से लड़ती। इसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं उन्हें फॉलो किया जाए, डरा ना जाए। लोग इतने डरे भी हैं कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। मेरे पास यहाँ कई लोग आते हैं जिन्हें मैं देखता हूँ कि साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, और उन्हें जब समझाया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 2 दिन के अंदर ही। कारण ये है कि डर आदमी का मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है, डर, और वो भी मृत्यु का डर। आदमी बिखर जाता है, टूट जाता है, उसको ये लगता है क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे बाद मेरों का, मेरे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, मेरा घर है, मेरा पड़ोस है, मेरा एक रुतबा है, या मैं MLA हूँ, MP हूँ, मिनिस्टर हूँ, क्या होगा। ये ध्यान भी नहीं आता कि कितने MLA, MP, मिनिस्टर मर गए, मंत्रालय अब दूसरों के पास है। मेरे सामने मेरे बाप, माँ, दादा, दादी, चाचा, चाची मर गए, दुनिया वैसी की वैसी चल रही है। ये दुनिया चल रही है, चलती रहेगी। बीमारी से इतना डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले भी महामारियाँ आती रही हैं, पहले भी ऐसी बीमारियाँ आती रही हैं जिनका कोई इलाज ना था, वो अपने आप समाप्त हो गई। प्लेग आया था, समाप्त। डेंगू आया, समाप्त। ये भी समाप्त हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखो, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखो, इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी का बढ़ाने का ध्यान रखो, और बाहर निकलो, भीड़ में ना जाओ। मैं तो बल्कि ये कहूँगा, इस डेंगू की बीमारी ने लोगों को जीना सिखा दिया। वो जो दिखावे के चक्कर में बर्थडे बच्चे का मना रहे हैं, 200-200, 300-300 आदमी आ रहे हैं, ज़रूरत नहीं थी। अब कहाँ हुआ, कहाँ गया वो रोब रुतबा? शादियों में कितने लोग आते थे, वो सब खत्म, ज़रूरत नहीं थी। और जितने पैसे में आज खर्चा परिवार का चल रहा है, उससे 4 गुने पैसे खर्चे होते थे, फिर तंगी होती थी, आमदनी उतनी ना हो तो फिर रोना पड़ता था, उधार लेना पड़ता था। इस बीमारी ने जीना सिखाया लोगों को। पॉजिटिव साइड भी तो देखो, पॉजिटिव साइड ये है कि आप कम खर्चे पे स्वस्थ कैसे रह सकते हैं।
इसका ध्यान रखना चाहिए, हर आदमी को अपना ध्यान रखना चाहिए, जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।